नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के टॉप 30 हेडलाइंस में आप सभी का स्वागत है। सीएम योगी ने यूपी के लोगों को दी रामनवमी की बधाई। अयोध्या में सुबह सुबह उमड़ा भक्तों का सैलाब। रामनवमी पर आज रामलला का होगा सूर्य तिलक। प्रियंका गांधी आज सुबह सहारनपुर में करेगी रोड शो। त्रिपुरा के अगरतला और असम के नलबारी में पीएम मोदी आज करेंगे रैली। आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। 19 अप्रैल को होगी फर्स्ट फेज की वोटिंग। ओमान में बाढ़ से तबाही, पुलिस ने पीड़ितों को एयरलिफ्ट किया। मोदी के बयान पर अमेरिका बोला हम बीच में नहीं पड़ेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव से बचे, पीएम ने कहा था आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। दुबई में 4 इंच बारिश से बाढ़ जैसा हालात। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल में पानी भरा। ईरान पर स्ट्राइक करेगा इजराइल, दावा या घातक हमला नहीं होगा। अमेरिका को भी इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। आर्थिक तंगहाली में भी पाकिस्तान ने बढ़ाए परमाणु हथियार। अमेरिका अधिकारी का खुलासा, भारत से विवाद के बीच न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडलाइज किया। लोकसभा चुनाव, विकास पुरुष मोदी और देवेंद्र फडणवीस का इंडिया गठबंधन पर तंज। सलमान खान से मुलाकात के बाद सीएम सिंधे ने पुलिस कमिश्नर को दिया निर्देश। मायावती को बड़ा झटका, एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना में शामिल हुए बीएसपी के दो बड़े नेता। प्रकाश आम्बेडकर ने जारी किया घोषणा पत्र, सीएए और एनआरसी को बताया हिंदू विरोधी। भ्रम में ना रहे कि मोदी लहर है, चुनावी रैली में बोली नवनीत राणा, बाद में दी सफाई। बाबा साहेब का संविधान सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षित, मनोज तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को वर्धा में चुनाव सभा को करेंगे संबोधित। नागपुर में ठहरने की भी संभावना। उद्योग मंत्री उदय सावंत का दावा, विदर्भ से भारी मतों से जीतेगी शिंदे गुट के तीन उम्मीदवार। नागपुर के लोगों को मेरा नाम भी मालूम, काम भी मालूम। चुनाव प्रचार के सवाल पर बोले नितिन गडकरी। राजनीतिक जमीन की तलाश में भाड़े पर पार्टी, लोकसभा चुनाव में मैदान से बाहर है मन से। संकट के बीच चीन को बड़ी राहत, फिर भी भारत के आगे कहीं नहीं टिक रहा ड्रैगन। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट, सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 72,943 पर बंद। निफ्टी भी 124 अंक टूटा। भारत में काम करने के लिए टीसीएस सबसे अच्छा वर्क प्लेस, लिंक्डइन ने 2024 की बेस्ट कंपनी की लिस्ट जारी की। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 83.56 पर आया। IMF ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 0.30% बढ़ाया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6.8% किया, जनवरी में 6.5 बताया गया था। बटलर ने आखिरी बॉल पर राजस्थान को जिताया। IPL 2024 में आज गुजरात टाइटन वर्सेस दिल्ली कैपिटल। गुजरात के खिलाफ दिल्ली को एकलौटी जीत अहमदाबाद में मिली। राजस्थान रॉयल 12 पॉइंट के साथ नंबर एक, चहल के पास पर्पल कैप। राजस्थान ने IPL का सबसे बड़ा स्कोर चेज किया, बटलर की सेंचुरी से 224 रन बनाए। कोलकाता से सुनील नरेन ने लगाया शतक। मोहन बागान ने पहली बार ISL लीग सील जीती। लीग के आखिरी मैच में मुंबई सिटी FC को 2-1 से हराया। फिलहाल टॉप 30 हेडलाइंस में इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।